हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ ओरिजिन कोचिंग। आज हम पढ़ेंगे इंटीग्रेशन, जिसमें हम पढ़ रहे हैं पार्शियल इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, खंडशः समाकलन का दूसरा पार्ट। पहले पार्ट में मैंने आपको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फार्मूला बताया, कुछ बेसिक क्वेश्चन बताए उसके। आज हम उसके कुछ स्पेशल क्वेश्चन लेके आए हैं आपके लिए। और मैं पहले भी आपसे डिस्कस कर चुका हूँ कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स बहुत इम्पॉर्टेंट है, और इसके जो डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न है ये आपको पकड़ना है। जैसे पिछले टाइम मैंने पिछले वीडियो में लॉग एक्स का बताया, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। आज हम दो पैटर्न को लेके काम करेंगे, एक सेक वाले क्वेश्चन, सेक क्यूब एक्स और साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टेन इनवर्स एक्स। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरा एक्सपीरियंस है कि आज तक बोर्ड एग्जाम में इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से जो क्वेश्चन आता है वो तीनों में से कोई एक आता है, या तो लॉग आता है, या तो सेक क्यूब एक्स आता है, या तो साइन इनवर्स एक्स से रिलेटेड, मतलब ये पैटर्न बता रहा हूँ मैं, इस तरह से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। तो आज हम दो पैटर्न को कवर करेंगे। सबसे पहले हम सेक वाला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, तो आज का मैंने पहला क्वेश्चन सेलेक्ट किया है, आई इक्वल इंटीग्रेशन ऑफ सेक क्यूब एक्स डी एक्स। देखो, जैसा कल हमने लॉग एक्स देखा था, इसके पहले वाले वीडियो में लॉग एक्स देखा था, तो लॉग एक्स को देखने से वो सिंगल फंक्शन लगता है। सिंगल फंक्शन लगता है तो वहाँ हमको कन्फ्यूजन होता है, भाई इसमें यू इंटू वी कैसे लगेगा, तो हमने इंटू वन करके उसको इंटीग्रेट किया। यहाँ पर भी जब आप इसको देखोगे तो लगेगा सेक क्यूब एक्स भाई अकेला है, उसके साथ यू इंटू वी है नहीं, तो यहाँ पर उसको यू इंटू वी के फॉर्म में हमको लाना पड़ेगा, क्रिएट करना पड़ेगा। तो कैसे करते हैं उसके लिए देखिए, सबसे पहले इस क्वेश्चन को अब हम लिख लेते हैं, दैट इक्वल सेक एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, ये सपोज कर लेते हैं, ऐसा लिख सकते हैं। क्यूब को हमने तोड़ दिया। अब यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आपको इस सेक एक्स को यू सपोज करना है और इस सेक एक्स को वी। क्यों? क्योंकि इसका इंटीग्रेशन पॉसिबल है, सेक एक्स का इंटीग्रेशन डिफिकल्ट है। हम सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन बहुत आसानी से जानते हैं, वो टेन एक्स होता है, तो इसलिए हमको इसको वी सपोज करना ज़्यादा बेटर है। अब यहाँ पर हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं, दैट इक्वल, अब बाकी तो इंटीग्रेशन ऐसे ही करेंगे जैसा करते हैं। फिर भी इसमें कुछ खास बात है, ध्यान रखना, आई इक्वल टू इतना सपोज किया, देखते जाओ, फर्स्ट फंक्शन सेक एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस होल इंटीग्रेशन ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, और ये पूरे का होल इंटीग्रेशन। ये फार्मूला में हमने अप्लाई कर दिया, पहला काम हमने उसमें फार्मूला में उसको अप्लाई कर दिया। अब देखो, जिसका जिसका इंटीग्रेशन जो होता है लिखते जाते हैं, ये हो जाएगा सेक एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है टेन एक्स, ये हो गया टेन एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स का इंटीग्रेशन होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स, सेक एक्स का सॉरी डिफ्रेंशिएशन, सेक एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स, और इंटू सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है सेक एक्स डी एक्स, ये हो जाएगा सॉरी टेन एक्स ना, सेक स्क्वायर एक्स का टेन एक्स, क्या लिख रहा हूँ मैं, टेन एक्स। अब टेन एक्स इंटू टेन एक्स, टेन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, और इस टेन स्क्वायर एक्स को मैं डायरेक्ट यहाँ पर, ये दोनों मिलकर टेन स्क्वायर एक्स हो जाएंगे, और उस टेन स्क्वायर एक्स को हम लिख रहे हैं सेक स्क्वायर एक्स इक्वल टू होता है वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स, तो टेन स्क्वायर एक्स इक्वल टू क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन, तो हम यहाँ से उसको सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन, अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ उसको एक साथ, आप इतना समझ लेना, ये हो जाएगा सेक एक्स इंटू टेन एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, ये हो जाएगा सेक एक्स इंटू, इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करके सेक स्क्वायर टेन स्क्वायर एक्स लिखेंगे, और उसको फिर लिख देंगे हम सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन, ये लाइन मैंने डायरेक्ट किया, थोड़ा ध्यान देना, क्लियर यहाँ तक। दैट इक्वल, आगे इसको सॉल्व करें तो सेक एक्स इंटू टेन एक्स माइनस, ये दोनों अब ब्रैकेट ओपन कर दें तो इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा सेक क्यूब एक्स डी एक्स, अलग लिख दिया, और इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस सेक एक्स डी एक्स, क्लियर। अब आगे इंटीग्रेशन करना है, मैं नेक्स्ट पेज के बजाय यहीं इसको आपको इधर खिसका देता हूँ, यहीं पर बता दूँ ताकि इसे कंपेयर अपन कर सकें लिखने से पहले।
यहाँ पर अब देखो ये i के इक्वल है, i हमारा इसके इक्वल है sec cube x, तो इस तरह से हम इसको क्या लिख सकते हैं, i लिख सकते हैं, क्योंकि i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ sec cube x dx। ये इस क्वेश्चन में एक खास बात है कि इंटीग्रेशन के बीच में एक i क्रिएट हो जाता है, ठीक है, आप इसको ध्यान देना, ये वाला जो वैल्यू है वो किसके बराबर है, i के बराबर है, तो इसको हम i लिख सकते हैं, तो therefore हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, therefore i इक्वल sec x इंटू टेन एक्स और माइनस, इसको हम लिख सकते हैं i और आगे माइनस, अच्छा यहाँ पर एक मिनट, यहाँ पर प्लस होगा, ये माइनस का मैं अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो माइनस इंटू माइनस ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस, और इंटीग्रेशन ऑफ sec x का वैल्यू होता है log sec x प्लस टेन एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ sec x का फार्मूला यही होता है ना, इंटीग्रेशन ऑफ sec x का फार्मूला ध्यान नहीं मुझे, log sec x प्लस टेन एक्स ही होता है, log sec x प्लस टेन एक्स ये हो जाएगा इसका फार्मूला, दैट इक्वल, अब यहाँ पर देखो आप, दैट इम्प्लाइज ये i है माइनस i, इधर आके प्लस i हो जाएगा और i के साथ में क्या हो जाएगा, वो एड हो जाएगा, तो हमारा क्वेश्चन इस तरह से 2i इक्वल ये sec x इंटू टेन एक्स प्लस लाग sec x प्लस टेन एक्स और प्लस c लिख सकते हैं, ये कंपलसरी नहीं होता लेकिन लिखना है, दैट इम्प्लाइज 2 का उधर ट्रांसफर कर दें तो i इक्वल टू हमारा इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ये 1 अपॉन 2 अंडर ब्रैकेट sec x इंटू टेन एक्स प्लस लाग sec x प्लस 10x प्लस सी, दिस इज द फाइनल आंसर, ओके ये फाइनल, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये ध्यान रखना आप, ओके क्या आंसर है, एक बार टेली कर ले अपन, 1 अपॉन 2 sec x इंटू टेन एक्स प्लस लाग sec x प्लस 10x प्लस सी, ये क्वेश्चन एक ऐसा क्वेश्चन है जो प्रायः एग्जाम में पूछा गया है, हर बोर्ड के एग्जाम में पूछा गया है, और इस क्वेश्चन का दो इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो आपको मैं हाईलाइट करता हूँ, पहला तो ये कि आपको इसको दो पार्ट में तोड़ना है, दूसरा इम्पॉर्टेंट बात यह है कि यहाँ पर जो ये इंटीग्रेशन ऑफ sec क्यूब एक्स डी एक्स आता है उसको हमको क्या लिखना है, ये i लिखना है और बाद में इसके साथ इसको ट्रांसफ़र करके 2i लिखना है, तो ये नया चीज़ आपने इस क्वेश्चन में देखा कि कई क्वेश्चन में खासकर sec वाले क्वेश्चन में क्वेश्चन के राइट हैंड साइड में ही i क्रिएट हो जाता है, उस i को हम लेफ्ट साइड में ट्रांसफ़र कर देते हैं, ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन इसी पर। हेलो स्टूडेंट्स, अनअकैडमी लेके आए आपके लिए एक स्पेशल फीचर, आस्क ए डाउट, क्लास 6 से 12 तक के स्टूडेंट्स के लिए। देखिए आप किसी भी समय कितने भी डाउट आप पूछ सकते हैं, अनलिमिटेड डाउट्स पूछ सकते हैं हमारे इस फीचर पर, और आपके होमवर्क के लिए भी आपको असिस्टेंस मिलेगा इससे। देखिए मैं आपको बता दूं कि इस ऐप को आप यूज़ कैसे करेंगे। सबसे पहले आपको ऐप में जाना है और आस्क ए डाउट क्लिक करना है। सेकंड स्टेप में आपने जो पिक्चर लिया हुआ है क्वेश्चन का, या फिर वहाँ पर गैलरी ले सकते हैं या पिक्चर ले सकते हैं, वो आपको लेना है। नेक्स्ट स्टेप सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि आपने जो पिक्चर लिया है उसमें केवल उसी क्वेश्चन को क्रॉप करना है जो जिसका आपको आंसर चाहिए, स्पेसिफिक क्वेश्चन क्रॉप करना है दैट मीन्स, और आपको चूज किए हुए क्वेश्चन को डालना है, फिर आपको तुरंत उसका आंसर मिलेगा। देखिए इसमें जो आपको सावधानी रखनी है वो ये है कि आप एक टाइम में केवल एक ही डाउट पूछेंगे, एक से अधिक डाउट सेंड नहीं करेंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि आप जो इसमें पिक्चर भेजेंगे क्वेश्चन का, वो क्लियर होना चाहिए, पिक्चर की क्लियरिटी अच्छी होनी चाहिए, हैंड रिटन नहीं होना चाहिए। और तीसरा इम्पॉर्टेंट बात है कि आप यदि एमसीक्यू क्वेश्चन के आंसर जानना चाहते हैं तो उसके सभी ऑप्शन आपके क्वेश्चन के नीचे में होने चाहिए। आइए अब आपको मैं बता दूं कि आप यदि अनअकैडमी में ये यूज़ करना चाहते हैं फ्री डाउट क्लियरेंस, तो आप मेरा कोड यूज़ करिए जितेंद्र सर लाइव। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि आप यदि अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो 10% डिस्काउंट मिलेगा आपको मेरे इस कोड को यूज़ करने पर। जितेंद्र सर लाइव कोड आप यूज़ करिए और 10% का आप डिस्काउंट पाइए। ओके थैंक यू।
ये सब्स्टिट्यूशन के बाद बनता है क्वेश्चन। ये मैं एक क्वेश्चन आपको, ये रेयर क्वेश्चन है, रेयर ऑफ द रेयर क्वेश्चन। इस तरह के क्वेश्चन को हमको क्या है, थोड़ा ध्यान में रख के बनाना होगा। e टू दी पावर रूट एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ e टू दी पावर रूट एक्स dx, ये क्वेश्चन आपको बनाना है, इंटीग्रेशन ऑफ e टू दी पावर रूट एक्स dx। ओके, अब यहाँ पर आप देखो e टू दी पावर रूट एक्स dx में हमको तो दिख ही नहीं रहा है कि यहाँ पर u इंटू वी अप्लाई होगा, तो ये थोड़ा सा एडजस्टमेंट करने वाला क्वेश्चन है। एडजस्टमेंट कैसे करेंगे, देखो अपन इसको, दैट इक्वल इसको लिखो इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पर रूट एक्स का मल्टीप्लाई करो e टू दी पावर रूट एक्स और रूट एक्स का डिवाइड करो। ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, जितने भी क्वेश्चन में इनिशियली स्टार्टिंग के स्टेप में ही कुछ एडजस्टमेंट करना पड़ता है उसको आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। इस तरह के क्वेश्चन को आप हाईलाइट करके रखो, क्योंकि यदि आप उसको भूलें ये क्वेश्चन आपको परेशान कर सकते हैं। तो कैलकुलस में, इंटीग्रेशन में कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो मिसलेनियस टाइप के हैं, दैट मीन्स उसमें कोई ट्रिक्स अप्लाई होता है, वो स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं बनते। और जनरली आपने देखा होगा कि मैं अपने क्लास में कुछ इस तरह के क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कराता हूं जो ऐसा कुछ टेक्निक वाले होंगे, क्योंकि सिंपल क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे और उसकी प्रैक्टिस आपको करनी भी है। सिर्फ मेरे क्वेश्चन को करने से आपका काम नहीं चलेगा ना, बार बार याद दिलाता हूँ आपको। तो यहाँ हमने रूट एक्स को मल्टीप्लाई किया, रूट एक्स को डिवाइड किया, इसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ सब्स्टिट्यूशन करते हैं। क्या रूट एक्स को सपोज कर लेते हैं टी, इसका जब हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 रूट एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। अब इतना सब आपको पता है, पहले खूब डिफ्रेंशिएशन किया है। यहाँ पर देखो ये डी एक्स अपॉन रूट ऑफ एक्स डी एक्स, ये इसको डी टी लिख सकते हैं, तो टू को उधर ट्रांसफर कर दो, तो देयर फोर 1/ रूट एक्स डी एक्स इक्वल टू टू उधर ट्रांसफर हो जाएगा 2 इंटू डी टी। अब ये पूरा सब्स्टिट्यूशन हम यहाँ पर पुट अप कर दें, तो देयर फोर हमारा क्वेश्चन किस तरह से हो जाएगा, आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर हम सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं, तो रूट एक्स का वैल्यू क्या लिखेंगे टी, तो ये हो जाएगा टी इंटू e टू दी पावर रूट एक्स को टी सपोज करेंगे तो हो गया e टू दी पावर टी और इंटू डी टी। देखो इस फॉर्म में चला आया। तो क्वेश्चन देखो, अब क्वेश्चन का, इस क्वेश्चन का सबसे इम्पॉर्टेंट बात, जो खास बात है, क्वेश्चन को देखने से लग रहा था कि यह u इंटू वी वाला क्वेश्चन नहीं है, लेकिन सब्स्टिट्यूशन करने के बाद ये u और इंटू वी वाले फॉर्म में, दैट मीन्स इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स में कन्वर्ट हो गया। तो मैं इसी तरह के क्वेश्चन आपको, मैं पहले ही बता दिया था कि सेकंड पार्ट में मैं आपको कुछ स्पेशल टाइप के क्वेश्चन आपको कराऊंगा, क्लियर। चलिए अब आगे इसको हम सॉल्व करते हैं, तो आसानी आपको पता है, इसको यू लेंगे तो टी इंटू इंटीग्रेशन ऑफ ई टू दी पावर टी डी टी माइनस डी वाई डी टी ऑफ टी इंटीग्रेशन ऑफ ई टू दी पावर टी डी टी और होल डी टी। आगे इंटीग्रेशन तो आसान है, दैट इक्वल टी ई टू दी पावर टी का इंटीग्रेशन ई टू दी पावर टी माइनस इसका इंटीग्रेशन 1 हो जाएगा और इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा e टू दी पावर t dt, टी दैट इक्वल टी इंटू ई टू दी पावर t माइनस ई टू दी पावर t प्लस सी, दैट इक्वल यहाँ से e टू दी पावर t को हम कॉमन कर लें तो हो जाएगा t माइनस 1 प्लस सी। अब फाइनल हम अपने सब्स्टिट्यूशन को क्वेश्चन में पुट अप कर देते हैं। तो हमने इसको e टू दी पावर t, तो रूट एक्स को हमने क्या किया है टी सपोज किया, तो जहाँ जहाँ टी वहाँ रूट एक्स लिख सकते हैं, तो ई टू दी पावर रूट एक्स और यह तो हो जाएगा टी है खाली, तो टी है तो क्या हो जाएगा रूट एक्स, रूट एक्स माइनस 1 प्लस सी, दिस इज द फाइनल आंसर। ओके, क्या आंसर देता है 2 ई टू पावर रूट एक्स, रूट एक्स माइनस सी, 2 को कहाँ भूल गए, 2 dt पुट करना है ना अपने को, इतने को 2 dt पुट करना है। देखो ऐसा धोखा हो जाता है समझाने के चक्कर में, भूल गया 2 और ये 2 रहेगा बाहर, तो परमानेंट सबके साथ इसको मैं 2 को यहाँ पर बाहर लिख दिया, यहाँ पर भी 2 इंटू, यहाँ पर भी 2 इंटू, यहाँ पर भी 2 इंटू होगा, तो ये भी 2 इंटू, बाद में इसके साथ कॉमन कर लिया तो 2 और यहाँ पर 2 को लिखने भूल गया था मैं, स्टार्टिंग से ध्यान देना ये वाले 2 को, ये 2 e टू दी पावर रूट एक्स, यही आंसर है ना, 2 e टू पावर रूट एक्स रूट ऑफ एक्स माइनस 1 प्लस सी। ये सब एनसीईआरटी के सेलेक्टेड क्वेश्चन है, ध्यान देना।
तो ये है एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को आप स्पेशल केयर करना, और देखो जितने क्वेश्चन आप मेरे वीडियो से देखते हैं वो क्वेश्चन आप स्पेशल तैयार करिए। आप अपने टेक्स्ट बुक से क्वेश्चन की तो प्रैक्टिस करते ही हैं, इनका अलग से नोट्स बना के रखिए। जब आप वीडियो देखते हैं तो साथ में उसको बनाते भी चलिए, और एक कलेक्शन आपके पास होना चाहिए। और मेरा पर्सनल सजेशन है आपको कि आप एग्जाम से पहले मेरे वीडियो में बताए क्वेश्चन को आप जरूर बार बार प्रैक्टिस करिए, क्योंकि मैं आपको सामान्य क्वेश्चन नहीं बताता, मैं जो क्वेश्चन बताता हूँ वो सिलेक्टेड हैं, वो इम्पॉर्टेंट हैं, कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन हैं, इसलिए इनका अलग से कलेक्शन रखो आप, या वीडियो को बार बार रिवाइज करो। ओके, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अब मैं आपको लेके चलता हूँ इन्वर्स वाले क्वेश्चन में। जिस तरह से हमने लॉग में क्वेश्चन पढ़ा उसी तरह से इन्वर्स में क्वेश्चन किस तरह से बनते हैं देखो। ये है आई इक्वल इंटीग्रेशन ऑफ साइन इन्वर्स एक्स, यहीं से मैं शुरुआत करता हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ साइन इन्वर्स एक्स डी एक्स, इस तरह से। तो लॉग एक्स की तरह देखो, इसमें साइन इन्वर्स एक्स है, अकेला है, एक्स इंटू साइन इन्वर्स भी मिलेगा आपको, एक्स स्क्वायर इंटू साइन, आपको इन्वर्स के बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे। लेकिन फिर मैं आपको एक बार याद दिला दूं, मैं उस क्वेश्चन को लेके आता हूं जिसमें कुछ अलग है। तो साइन इन्वर्स एक्स में क्या खास बात है, लॉग एक्स की तरह आपको क्या दिख रहा है, ये अलग दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर हमको क्या कर लेना है, इंटू वन, जैसे हमने लॉग एक्स के साथ में इंटू वन किया था। बाकी पैटर्न आप समझ गए होंगे, तो बस ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि लॉग एक्स हुआ, साइन इनवर्स एक्स हुआ, या ऐसी कॉस इनवर्स एक्स हुआ, या ऐसी टेन इनवर्स एक्स हुआ, सब में इंटू वन हमको लेना है, और जो वन लेना है उसको सेकंड फंक्शन सपोज करना है, ये ध्यान में रखना, ठीक है, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन नहीं हो सकता। तो यहाँ पर हम इसको ले लेते हैं यू, और इसको ले सकते हैं वी, यू इंटू वी, क्लियर। साइन इनवर्स एक्स का एग्जाम्पल लें कि किसी और का ले लें, यही ठीक है, चलिए ठीक, लॉग एक्स जैसे ही बनाते हैं अपन। साइन इन्वर्स वाले बहुत से क्वेश्चन हैं, वन के जगह में एक्स वगैरह भी हो सकता है, जैसे एक्स साइन इन्वर्स एक्स हो, यहाँ पर स्पेशल केयर आपको ये करना है, ये जो साइन इन्वर्स एक्स है इसी को आपको यू लेना है। यदि यही क्वेश्चन ऐसा हो जाए साइन इन्वर्स एक्स इंटू एक्स, तो इसको यू लेना है, इसको वी लेना है, ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना है, इलेट जो मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था। तो चलो इंटीग्रेशन करो, फर्स्ट फंक्शन साइन इन्वर्स एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन मतलब वन डी एक्स, लिख देता हूँ मैं इसको, माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इन्वर्स एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ वन डी एक्स ऑफ होल इंटीग्रेशन, ये हो गया डी एक्स हो गया, दैट इक्वल साइन इन्वर्स एक्स इंटू, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ साइन इन्वर्स एक्स का इंटीग्रेशन होता है रूट ऑफ डिफरेंशिएशन सॉरी वन माइनस एक्स स्क्वायर, और इनटू ये हो जाएगा एक्स डी एक्स। अब यहाँ पर इम्पॉर्टेंट बात है कि अब आपको इसका इंटीग्रेशन करना है, ये तो इंटीग्रेट हो गया, ये इंटीग्रेट हो गया, अब इसका इंटीग्रेशन करना है। तो यहाँ पर लिखने के तरीके को आप थोड़ा सा चेंज कर सकते हो, इसके अंदर तो रिलेशन नंबर फर्स्ट, और इसको सपोज कर लो आप आई वन सपोज करके उसका हम अलग से इंटीग्रेशन कर देते हैं I1, अब इसका हम अलग से इंटीग्रेशन कर देते हैं I1 का, I1 इक्वल इंटीग्रेशन ऑफ x अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन करने के बाद ये वैल्यू यहाँ पर अपन पुट अप कर देंगे, तो पुट अप कर देंगे तो फिर वहाँ पर आंसर फाइंड हो जाएगा। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूशन करेंगे, ये आपको पता है, नाउ पुट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी, तो देयरफॉर माइनस टू एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी, देयरफॉर यहाँ एक्स डी एक्स का वैल्यू फाइंड करें, तो एक्स डी एक्स इक्वल टू, इसको इधर ट्रांसफर कर दो तो माइनस डी टी अपॉन टू हो जाएगा। ये एक्स डी एक्स का जो वैल्यू हमने निकाला है, एक्स डी एक्स के वैल्यू को यहाँ पर पुट अप कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा हमारा क्वेश्चन, therefore I1 equal integration of x dx हो गया ये माइनस वन बाई अरे माइनस वन बाई टू को मैं बाहर लिख दूं पहले, ये माइनस वन बाई टू को, तो हो जाएगा डी टी और अपॉन रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर को हमने सपोज किया है
टी, तो हो जाएगा रूट ऑफ टी। अब इसका इंटीग्रेशन कर दो, माइनस वन अपॉन टू, टी का पावर ऊपर जाके माइनस वन बाई टू, माइनस वन बाई टू प्लस वन, ऊपर जाएगा माइनस वन बाई टू प्लस वन, एलसीएम लोगे माइनस वन प्लस टू मतलब वन बाई टू, ठीक है। तो ये हो जाएगा वन बाई टू, टी का पावर वन बाई टू और अपॉन वन बाई टू, दैट इक्वल माइनस ये टू पर, ये टू टू कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस इसको लिख सकते हो आप रूट टी, ठीक है, रूट टी, जिसको माइनस हम रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। तो इसका इंटीग्रेशन ऐसा अलग से निकालना पड़ेगा और इसको फिर इस रिलेशन फर्स्ट में पुट कर दो, देयर फॉर फ्रॉम फर्स्ट, फर्स्ट में पुट करेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, आई इक्वल टू ये वाला पोर्शन है साइन स्क्वायर एक्स, साइन इनवर्स एक्स इंटू एक्स, एक्स को मैं सामने लिख रहा हूँ, एक्स साइन इनवर्स एक्स और माइनस इतने पूरे का हमने आई वन का वैल्यू फाइंड कर लिया है जो कि इतना है, यहाँ ऑलरेडी माइनस था तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर, दिस इज फाइनल आंसर, एक्स साइन इनवर्स एक्स, एक्स साइन इनवर्स एक्स प्लस रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर, ये प्लस सी लिख सकते हो, नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, इसका फाइनल आंसर। ओके, तो यहाँ पर आप देखो इस क्वेश्चन को, यहाँ पर ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साइन वर्स एक्स, तो ये हमेशा ध्यान रखना लॉग एक्स, सेक क्यूब एक्स और साइन इनवर्स एक्स बहुत इंपॉर्टेंट पैटर्न है और उससे रिलेटेड बाकी क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे। तो ये हो गया साइन इनवर्स एक्स का, एक आध क्वेश्चन इनवर्स पर मैं आपको और बता दूं, मैं टेन बता देता हूं, एक काश आप लोग कर लोगे इसी तरह से, मैं एक टेन बता दूं और बाकी उसके बाद बाकी क्वेश्चन आपसे बन जाएगा, उसके साथ कोई फंक्शन ऑलरेडी हो तो वन सपोज करने की जरूरत नहीं है, उसको भी सपोज करना और इंटीग्रेशन कर देना, ठीक है। चलिए, तो एक क्वेश्चन मैं आपको और बता दूं टेन इनवर्स का, आई इक्वल इंटीग्रेशन ऑफ टेन इनवर्स एक्स डी एक्स, ठीक है। तो यहाँ पर वही काम करेंगे, इंटू वन करेंगे इसको, इसको यू लेंगे, अब ये लिखने जरूरत नहीं, बार बार आप समझ गए हो। चलिए, दैट इक्वल फर्स्ट फंक्शन मतलब यू टेन इनवर्स एक्स इंटीग्रेशन ऑफ वन डी एक्स माइनस डी वाई डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स एक्स इंटीग्रेशन ऑफ वन डी एक्स इसका होल इंटीग्रेशन, ओके, यू इंटू वी में हमने फार्मूला को अप्लाई कर दिया, दैट इक्वल अब क्या लिख सकते हैं अपन इसको, टेन इनवर्स एक्स इंटू इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ टेन इनवर्स एक्स का इंटीग्रेशन डिफ्रेंसिएशन होता है वन प्लस एक्स स्क्वायर और इंटू इसका हो जाएगा एक्स डी एक्स, बिल्कुल वैसी सिचुएशन अब यहाँ पर भी आ गया, क्लियर। तो अब क्या करो, जैसा मैंने अभी बताया इसका इंटीग्रेशन हो गया, इसको हम सपोज कर लेते हैं क्या I1, और I1 को हम अलग से इंटीग्रेट कर देते हैं, सिंस I1 इक्वल इंटीग्रेशन ऑफ x अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, नाउ पुट वन प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी, देयर फॉर टू एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी, देयर फॉर एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी बाई टू, ये हो जाएगा। अब यहाँ पर वैल्यू को पुट अप कर देते हैं, देयर फॉर आई वन इक्वल टू, आसान है, तो बिल्कुल वैसी क्वेश्चन है, आप समझ गए होंगे सब, मैं दो क्वेश्चन इसलिए बता दिया आपकी प्रैक्टिस हो जाए, वैसे ही बनाना है, एक्स डी एस को आप क्या लिख सकते हो डी टी बाई टू, तो वन अपॉइंट टू को मैंने बाहर लिख दिया और डी टी और वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर को हमने टी सपोज किया है, दैट इक्वल ये हो जाएगा वन अपॉन टू लॉग टी, दैट इक्वल वन अपॉन लॉग और टी का वैल्यू है वन प्लस एक्स स्क्वायर, देयर फोर इसको हमने फर्स्ट सपोज किया है मान लो, तो देयर फोर फ्रॉम फर्स्ट, फर्स्ट में वैल्यू को पुट अप कर दो, तो आई इक्वल टू एक वैल्यू ये है अपने पास, ठीक है, टेन इनवर्स एक्स इंटू एक्स, इसको मैं पहले लिख दिया एक्स इंटू टेन इनवर्स एक्स और यहाँ पर माइनस ये पूरा आई वन का वैल्यू हमने निकाल लिया है क्या ये, तो हो जाएगा वन अपॉइंट टू
log 1 plus x स्क्वायर प्लस सी, दिस इज द फाइनल आंसर। तो इस तरह से इतने क्वेश्चन से आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी इस तरह की। एक बार इसका भी क्वेश्चन दिया है कि आप टेली कर लें, x tan वर्स x माइनस 1 प्लस x स्क्वायर प्लस सी। ओके, तो ये मैंने कुछ क्वेश्चन आपको बताया, इसको छोटे छोटे पार्ट में मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट भी है। तो ये क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस करिए जो मैंने आज बताया, और इतने क्वेश्चन की बहुत अच्छी प्रैक्टिस करने के बाद आपको इमीडिएट तुरंत मैं इसका एक और पार्ट देखता हूँ, इसमें और कुछ और क्वेश्चन हो गए तो इसका एक और आप पार्ट आपको प्रोवाइड कराता हूँ, अदरवाइज हम न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे। इतने में आपको इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स का बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, और आप और क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए। जितने क्वेश्चन मैंने बताया दोनों पार्ट में वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको बार बार प्रैक्टिस करिए। ओके ओके, थैंक यू।